नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी लेखपाल में CCC का सर्टिफिकेट कैसे आपको बनाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ आपको एग्ज़ाम देना है, कहाँ आपको अप्लाई करना है, सभी कुछ को इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूपी लेखपाल के लिए आपको CCC का सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सबसे पहले गूगल में ये सर्च करना है। क्या सर्च करना है? NIELIT सर्च कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप ये पहला पेज देखेंगे, पहला पेज आप देखेंगे कि ये आ गया, पहला जो लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ CCC का भी ऑप्शन आ रहा है, बट पहले लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। पहले लिंक पे आपने क्लिक किया, अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट जोन में जाना है। स्टूडेंट जोन में जाना है, कोर्स में जाना है। कोर्स में कौन सा कोर्स में जाना है? डिजिटल लिटरेसी कोर्स में जाना है, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ कोर्स आ जाएंगे। अब इनके बारे में चाहे तो आप डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में आप डिटेल देख सकते हैं, तो चलिए हम डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला कोर्स देखिएगा, सभी के सभी क्या है, कंप्यूटर के कोर्स है। तो ये जो हम लोग को कोर्स करना है, CCC एक ऑप्शन है हमारे पास है, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है। और दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे CCC प्लस है। अब CCC और CCC प्लस दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। सब के सब कोर्स क्या है, अप्लीकेबल है, पर CCC कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप सिलेबस को यहाँ पे क्लिक करके इसके सिलेबस को देख सकते हैं। एक नया पेज में आपको सिलेबस यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। ये सिलेबस आप देख सकते हैं कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का ये सिलेबस है, ठीक है। 32 आवर का ये कोर्स है, प्लस में 48 आवर प्रैक्टिकल होगा, मतलब टोटल 80 आवर का कोर्स है, मतलब 3 महीने का कोर्स है, ठीक है। 3 थ्योरी होगा, 3 लैब होगा यहाँ पे। और उसके बाद आप देखिएगा चैप्टर 1 में आपको क्या क्या देखना है, तो सारा कुछ बेसिक जो कंप्यूटर का सिलेबस होता है वही होता है। टेलीग्राम पे मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा। हमारे चैनल का जो नाम है नॉलेज बस, उसी नाम से आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है और हमारे चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये CCC का सिलेबस है, यहाँ डिटेल सिलेबस है, ठीक है। कोई भी ग्रेड आए कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इसमें एग्ज़ाम देना है, पास करना है, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं लेखपाल के लिए, ठीक है। 80 आवर का टोटल ये कोर्स है, 32 आवर थ्योरी हो जाएगा, 48 आवर प्रैक्टिकल का ये कोर्स है। और देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्यूटर का वही बेसिक सिलेबस है जो ADCA DCA में आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसके बारे में मैंने सिलेबस बता दिया। अब यहाँ व्यू डिटेल में जाते हैं और देखते हैं व्यू डिटेल में क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या कितने समय का कोर्स है, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। थ्योरी 25 आवर, ट्यूटोरियल 5 आवर, प्रैक्टिकल, ठीक है, ये सब हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको अप्लाई कहाँ से करेंगे। फी के यहाँ देखिएगा एग्जामिनेशन डिटेल के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है। ₹500 आपको अप्लीकेशन फ़ी लगेगा, उसके बाद सर्विस चार्ज आपको देना होगा। सिलेबस हो गया, फ़ी कैरेक्टर हो गया, डिटेल हो गया, और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ अप्लाई करने का लिंक है। सेंटर आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको स्टेट में देखने को मिलेगा। जैसे झारखंड से अप्लाई कीजिएगा तो आपको रांची में एग्ज़ाम देना होगा, तो आपको स्टेट के कैपिटल में एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जाके आप CCC अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके CCC आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ CCC का डायरेक्ट यहाँ लिंक भी खोला हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस लिंक को मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैंने कोर्स के बारे में डिटेल पहले बता दिया, और यहाँ से जो आपको लिंक मिलेगा वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, CCC का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन डिटेल पंजीकरण आपको फिल करना है, जिसमें आपको यहाँ पूछा गया है कि हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर इनरोलमेंट विथ एक्सटेंशन सेंटर, नो हो जाएगा। और यहाँ पे फुल नेम ये सब फिल कीजिएगा, जो भी डिटेल होगा उसको फिल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नाम होगा, फिर यहाँ पे पेरेंट हो जाएगा, यहाँ फादर नेम हो जाएगा, मदर नेम हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगा, क्या करते हैं स्टूडेंट दे देंगे, यहाँ पे PWD का पूछा गया है, उसके बाद फ़ोन नंबर पूछा गया, ईमेल ID पूछा गया, एड्रेस पूछा गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको हाई स्कूल देना है कि हाई स्कूल आपने कहा क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन मतलब कहाँ तक आपका क्वालिफिकेशन है वो देना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है हायर क्वालिफिकेशन का। उसके बाद अप्लाई डायरेक्ट कर रहे हैं आपसे कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर रहे हैं वो आपको देना है। फिर अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन परीक्षा के लिए जो अप्लाई करेंगे वो बताना है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर 2 चॉइस आपको मिलेगा, तो अलग अलग स्टेट भी दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आधार नंबर, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, और यहाँ कैप्चा जो है उसको फिल कीजिएगा, डिक्लेरेशन को टिक कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अपने इस CCC के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं, और हर मंथ CCC का एग्ज़ाम होता है,
तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी आपसे ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, अभी बिल्कुल भी नहीं मांगा जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, ट्रिपल सी के लिए अप्लाई कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रिपल सी को का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।